हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड ऑल यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पार्ट फर्स्ट में लाइट का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ देखे थे व्हाट इज लाइट। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? आपको तो पता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि अब देखो क्या होता है, एक टेनिस बॉल है उसको आप दीवार पे टकराओगे, तो जिस डायरेक्शन में आप दीवार के साथ टकराओगे उसको, तो ये क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक होता है सेम एंगल बनाते हुए। ओके, तो देखेंगे लाइट का भी वैसे ही होता है। मिरर में आप लाइट को ऐसे प्रोजेक्ट करोगे किसी टॉर्च से, जो एंगल बनाओगे उसके साथ उसी एंगल से वो बैक होगा, वो होता है रिफ्लेक्शन। तो मिरर से आगे नहीं जा पाता, अगर वो आगे चला गया इससे होते हुए तो वो आपका रिफ्रैक्शन होगा, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्ट यानी कि गेटिंग बैक। ठीक है, अब देखते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, बीम ऑफ लाइट, बीम जैसे कि हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे एक रे ऑफ लाइट, ये होता है बीम ऑफ लाइट। लाइट का एक जो क्या बोलते हैं उसका, बीम मतलब तो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, थोड़ा सा जो लाइट, ओके बीम ऑफ लाइट, वो क्या करेगा, इंसिडेंट यानी कि टकराएगा किसमें, ऑन ए प्लेन, एक सतह में, एक प्लेन में टकराएगा तो क्या होगा, प्लेन सरफेस में, ए पार्ट ऑफ इट इज रिटर्न इन टू द सेम मीडियम। तो मान लो ये एक मीडियम है, प्लेन उसको डिवाइड करता है एक मीडियम को दो हिस्सा में, तो इसी मीडियम से क्या करेगा, वो लाइट इसमें जाके टकराएगा, ओके तो वो उसी डायरेक्शन में वापिस आ जाएगा। तो इसमें क्या है, पूरा नहीं आता, ए पार्ट ऑफ इट, उसका कुछ हिस्सा सेम मीडियम में आ जाता है। द रिटर्न ऑफ लाइट इन टू द सेम मीडियम इन दिस मैनर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी तरह लाइट का अब उसी मीडियम में वापिस आ जाने को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, रिफ्लेक्शन मतलब ए बीम ऑफ लाइट जब वो किसी एक प्लेन में इंसिडेंट करेगा तो उसी डिरेक्शन में वापिस आ जाता है, तो इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो कुछ टर्म्स हैं इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ये टर्म्स हमें समझना पड़ेगा, तो मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो हम लोग तो रिफ्लेक्शन समझ गए। अब यहाँ पे देख सकते हो पहला पॉइंट है इंसिडेंट रे। ओके, मैं एक पिक्चर्स बना रहा हूँ, इंसिडेंट रे, तो ये आपका प्लेन है मान के चलो। ओके, ये प्लेन हो गया, इसमें एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लेता हूं मैं, जिस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे उसका इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं ये देखिए, ये लाइट बीम ऑफ लाइट है, इस पॉइंट में यहाँ पे इंसिडेंट करवाए, तो ये जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, एक रे बना है, इसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे। टकराने से पहले जो लाइट का बीम रहता है वो हो गया इंसिडेंट रे। ओके, से फर्स्ट मीडियम जो भी है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये तो मैं आपको पहले से बता दिया हूं, जो इंसिडेंट रे है प्लेन में जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है वो हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये नंबर टू और ये नंबर वन। ओके, आपको समझ में आएगा इसलिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, तो इसको पढ़ के नहीं बता, हाँ देखो पढ़ के बताया था, द लाइट रे स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। स्ट्राइकिंग ए सरफेस, ये लाइट रे बीम ऑफ लाइट इस सरफेस को ये स्ट्राइक कर रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। अब द पॉइंट एट व्हिच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वही इंसिडेंट रे सरफेस को जिस पॉइंट में स्ट्राइक करेगा वो हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, नंबर थ्री पे चलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, द लाइट रे ऑब्टेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस। क्या बोला, द लाइट रे ऑब्टेंड आफ्टर रिफ्लेक्शन from the surface in the medium in which the incident ray is coming, it's called the reflected ray। तो देखो
ये हम लोग पिक्चर्स बना रहे थे यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाया था, इंसिडेंट समझाया था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट समझाया था। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से क्या होता है, लाइट जिस मीडियम से आया हुआ रहता है उसी मीडियम में वापिस इस डिरेक्शन में निकलता है, यानी कि रिटर्न आता है। ओके, तो उसी को बोला द लाइट रे ऑब्टेन आफ्टर इंसिडेंट्स, टकराने के बाद जो रिटर्न आ जाता है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया पॉइंट नंबर 3 रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब है नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। यस, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो ये आपका नॉर्मल रे ड्रॉ हो गया। ओके, ये नॉर्मल रे ड्रॉ हो गया, कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, तो उसे हम लोग नॉर्मल कहेंगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द एंगल हुई इज द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये भी इजी हो गया। अब जब हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए तो यहाँ पे, एक मिनट में जूम कर रहा हूं, ये देखिए, ये जो बीच में जो जगह बन रहा है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल टू द सरफेस, ये बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह मैं नेक्स्ट पॉइंट को भी बता देता हूँ, ये वाला जो एंगल रिफ्लेक्टेड बैक हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक, तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ के बता देता हूं, ये रहा द एंगल हुई इज द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल। ओके, उसी बात वैसी चे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 समझे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द प्लेन कॉन्टेनिंग द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। क्या क्या बोला, जिस प्लेन में क्या क्या रहेगा, इंसिडेंट रे भी रहेगा और नॉर्मल भी रहेगा। द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ओके, तो जो हम लोग मिरर लेते हैं ना, वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो गया। मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया था, ये जो है प्लेन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल बोल दे, सॉरी सॉरी, ये क्या टर्म था हम लोग का, टर्म था प्लेन ऑफ इंसिडेंट। प्लेन ऑफ इंसिडेंस में प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इस प्लेन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी हो गया द प्लेन कंटेनिंग द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस में इंसिडेंट प्लस नॉर्मल, रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन प्लस नॉर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, रियल एंड वर्चुअल इमेज, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। देखते हैं, एन इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जैसे कि हम लोग, आप देखे होंगे थिएटर, इसको प्रोजेक्ट किया जाता है स्क्रीन में, है कि नहीं, तो वहां पे जो पिक्चर दिखता है हमें वो होता है आपका रियल इमेज। तो रियल इमेज को किसे कहते हैं, रियल इमेज जिसे हम लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, एन इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, और मीडियम वो हो गया तो आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, एक्चुअली इंटरसेक्ट।
द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ये आप कब पढ़ोगे? जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे। सपोज ये एक मिरर है, सपोज, तो मिरर भी दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर और सर्कुलर मिरर। सर्कुलर भी दो तरह का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद क्या होगा? आपको तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेना है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में आपको एक नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सपोज रखते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा, यहाँ पे इंसिडेंट होके ऐसे एंगल बनाते हुए आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक और है, इसका फोकस पॉइंट दुनियादारी सब होता है, आप लोग पढ़ोगे। एक इसमें क्या होगा, जो प्लेन है यहाँ पे, ये सॉरी नॉर्मल के इसमें पैरेलल में जाएगा और ये फोकस में ऐसे इंटरसेक्ट होके आएगा। तो जहां पे ये दोनों रे क्या बोलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे एक इमेज बनेगा। तो ये प्लेन मिरर है, तो इसमें नो टेंशन। प्लेन मिरर में तो सेम डिस्टेंस में होता है, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करते। कर्व जो हम लोग का कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें हम लोग देखेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहां पे रियल में इंटरसेक्ट करते हैं, वो आपका रियल इमेज हो गया। जहां पे हम लोग उसको एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाते हैं, वो आपका वर्चुअल इमेज हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग आगे उसका रूल्स सब पढ़ेंगे तो सब क्लियर होगा। अभी बस समझे रहो, रियल में इंसिडेंट की क्या इंटरसेक्ट किए तो रियल इमेज, अगर इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड करके करवा रहे हैं तो आपका वर्चुअल इमेज। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट बट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट, दे इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स। ओके, उसके पीछे में ये इंटरसेक्ट हो जाता है एक्सटेंड करते हैं तो। इफ द सर्फेस इज स्मूथ, रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, रफ सर्फेस मेक्स इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का हो गया, रेगुलर और इरेगुलर। ये स्मूथ सर्फेस के लिए है। रफ सर्फेस रिफ्लेक्ट इन मल्टीट्यूड ऑफ डिरेक्शन एंड सच ए रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टू बी डिफ्यूज। यस, प्लेन है तो यहाँ पर लाइट रे ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट होते ही चलेंगे इस प्लेन में। अगर जैसे कि प्लेन ऐसे रफ है, तो कुछ लाइट ऐसे बैक करेंगे, तो कुछ लाइट ऐसे बैक करेंगे, तो कुछ लाइट ऐसे बैक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रफली वो लोग रिफ्लेक्टेड बैक होंगे, तो उसे हम लोग डिफ्यूज कहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, जहां पे ये समझ में नहीं आया है आप कॉमेंट करो, बताओ, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।